सारे ही विद्यार्थियों प्यार परी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अगला टॉपिक संबंधक। संबंधक देखो नाम तो ही पता लग रहे है संबंध है। हुण संबंध है किस विच, बस आपां नूं इन्ना जब पता लग गया तो समझो सारा संबंधक ही हो गया। वो शब्द जो किसी वाक विच आए ना या पढ़ना शब्दों के पिछे लग के उन्हां दा संबंध वाक दे होर शब्दां नाल जोड़दे है उसनू संबंधक कहिंदे ने भाई। वाक विच आए ना जा पड़ना दे पिछे लग के उन्हां दा संबंध वाक दे होर शब्दां नाल जोड़ना संबंधक है। जिवें दा दे दी ने नू तों कोल उत्ते आ सारे की ने संबंधक ने। पहला उदाहरण लैने हैं, वो कार विच बैठे हैं, वो कार च बैठे हैं, ठीक है जी। हुण की है, वो कार विच बैठे हैं, और जे आपां ये विच संबंधक है जिहड़ा इसनूं हटा दिए, वो कार बैठे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो कार विच बैठे हैं, और एक की कर रहे हैं, इस नाल संबंध स्थापित कर रहे हैं, भाई ना या पढ़ना दा इस नाल संबंध स्थापित कर रहे हैं, इस कारण इहनूं संबंधक कहिंदे हैं। वो साडे घर दे नेड़े ही रहिंदा है, वो साडे घर दे नेड़े ही रहिंदा है, ठीक है जी। हुण इत्थे की है, वो साडे घर दे नेड़े ही रहिंदा है, तां हुण इत्थे दे संबंधक है जी। दे की है, संबंधक है। ए की कर रहे हैं, इस ना या पड़ना दा, इस ना या पड़ना दा इस नाल संबंध स्थापित कर रहे हैं भाई। आ जिहड़ा है इस नाल संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसी कारण इहदी परिभाषा जिहड़ी घड़ी है वो इस तरीके नाल घड़ी है कि ना या पड़ना दा शब्द दे पिछे लग के, ना या प्रणा दे पिछे लगता है भाई, ना या प्रणा दे पिछे लगता है, और पिछे लग के उन्हों का संबंध है वाक दे होर शब्दों के नाल कर देता है, वो है संबंधक, और इतने स्थापित हो रहे हैं। जे इसको आप हटा दिए इन्हें बिना अगर पढ़ के देखिए, वो साढ़े घर नेड़े ही रहता है तो गल नहीं बनी, पूरी गल नहीं बनी। और ऐसे जे आप हटा दिए, वो कार बैठे हैं, वो कार बैठे हैं, ठीक है जी। वो कार राही चंडीगढ़ गया है, वो कार राही चंडीगढ़ गया है। जे राही हटा दिए, जेड़ा संबंधक हटा दिए तो बनूगा वो कार चंडीगढ़ गया है, गल नहीं बनी। परंतु ये जेड़ा राही संबंधक विच लगे है, वो कार राही चंडीगढ़ गया है, ना ते पड़ना दा संबंध स्थापित करता वाक दे दूजे हिस्से नाल, इसलिए इस नूं संबंधक आखदे ने। ओ साडे सामने दी संबंधक, ओ साडे सामने दी लंघ गया, ठीक है। इत्थे की है, दी संबंधक हैगा है। ते इस प्रकार अर्थ स्पष्ट करने लई वाक विच ठीक तरतीब अनुसार वरते जाण संबंधक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होंदे ने। हुण आपां नूं की है, एक चीज होर आपां नूं ध्यान रहनी चाहिए है, संबंधी ते संबंध मान। संबंधी केड़ा है और संबंध मान केड़ा है। जिस ना या प्रणा नाल संबंधक वरत्या जावे वह संबंधी है, और जिस शब्द नाल संबंध कायम होवे वो संबंधी मान है। जैसे राम ने पानी पीता, आलो जी एक होर, राम ने पानी पीता। हुण राम की है, राम है जेड़ा वो संबंधी है भाई। राम की हैगा है, ये संबंधी है, ने की है, ने संबंधक है, और पानी संबंधी मान। क्योंकि एक ही कर रहा है संबंधी
संबंधी वह है जेड़े पढ़ना या ना नाल संबंधक वरत्या जाए, जेड़े ना या पढ़ना नाल संबंधक वरत्या जाए वह संबंधी है। हुण यह संबंधक वरत्या जा रहा है इस ना दे नाल, राम दे नाल, ते वह ना या पढ़ना संबंधी है बी। ना ते पढ़ना की है, संबंधी है, उनके पिछे संबंधक लगता है। और जेड़ा बच गया जिंदे नाल संबंध जोड़िया जाता है वह संबंधी वान है भाई। जब इस विच ओ है जेड़ा संबंधी है और आ जेड़ा पिछला हिस्सा है वह की है संबंधी मान है, और विच है वह की है संबंधक हैगा है भाई, संबंधक हैगा है। हुण अगे गल करिए आप, कई बार संबंध सूचक पिछेत्र है कुछ गल्लां तो आप जाणू हो जाइए, फिर आप इन रूप दे जिहड़ियां दी वंड कीती गई है वर्गीकरण किया गया उसके उत्ते गल करांगे। फिर कई बार की होंदा संबंध सूचक पछेत्र भी लगे होंदे ने, वह की करते हैं कि लग दे रूप विच संबंधक ना या पड़ना दे नाल ही जुड़िया होंदा है। जिवें घरों की है, घरों घर तो, घर तो यह जिहड़ा संबंधक है यह लग दे रूप च इस नाल जुड़ गया, ना दे नाल फिट हो गया, ना दे नाल जुड़ गया भाई। घरों घरी घर विच करी, ओ करी बैठा है भाई, करी बैठा होया है, ते आ की हो गया करी घर विच, और ए इस दे नाल जुड़िया होया है भाई। विच की है, इस दे नाल जुड़िया है। कई बार इवें भी आंदा है ते तुसी संबंधक वखरा लभदे फिरो, किते वाक पढ़ो और संबंधक वखरा लभदे फिरो, को गया किते। अरे भाई कई बार ये पिछेत्र दे रूप विच जेड़ा संबंधी है उस दे नाल जुड़ जांदा है, ओ ना या पड़ना दे पिछे जुड़ जाता है भाई। जिवें घरों घरी, तैथों तेरे कोलों, तेरे कोलों मैं रुपये लै गया सी, तेरे कोलों रुपये लै गया सी, ते आ की है जेड़ा कोलों संबंधक है वो तेरे सर्वनाम दे नाल फिट हो गया है भाई, सर्वनाम दे नाल फिट हो गया है। संबंध सूचक पिछेत्र का यह काम कर रहा है, तो यह की हो गया तेथों तेरे कोलों। इन्हां नाल जुड़े हुए ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਛੇਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਈ। ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ। ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਵਿਕਾਰੀ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਵਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੂਪ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਦੇਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਰਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸੀਤਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨੇ ਦਾ ਨੇ ਰਹੂਗਾ ਬਈ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਨੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲਈ ਰਾਹੀਂ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਦਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਦਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
विकारी बदला हो जावे। हुण वर्तों दे पक्ष तो जिहड़ा मशहूर जिहड़ा है बड़ा ही वर्तों दे पक्ष ते पूरन संबंधक ऐ पूरन दू बाजरे या मिश्रत भी कहिंदे है भाई, जिन्हों मिश्रत भी आखदे ने उस दी हुण गल करदे हैं। पूरन संबंधक एक नंबर इहनू लईए भाई, पूरन संबंधक ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਬਾਗੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਬਾਗੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ या राम दे करे गए, सीता दे करे गए, कुछ भी कर लो, एक ही कल्ले कह रहे आ रहे हैं भाई। पूरन संबंधक है, अपने आप च पूर्ण है, इन्हां नूं लोड़ नहीं है भाई। हर्ष, हर्ष ने दुध पीता, सेंटेंस कोई बना लो, सेंटेंस बनाने दे जोर नहीं आना चाहिए तुहानू। हर्ष ने दुध पीता, दीप ने छित्तर खादे, कुड़ी नू पानी दो, देख लो पूरन संबंधक है, किसे सहायता दी लोड़ नहीं है। ऐ पूरन संबंधक जेड़े शब्द इकल्ले संबंधक दा काम ना कर सकन, सगो किसे पूरन संबंधक नाल मिल के ही काम करन, किसे पूरन संबंधक नाल मिल के काम करनगे भाई, ए कल्ले कह रहे काम नहीं कर सकते, उसनू कहंदे ऐ पूरन। इसी कारण ऐ पूरन कहंदे है, क्योंकि वो अपने आप च पूरन ही नहीं है भाई, पूरन नहीं है, तो इस कारण की है ऐ पूरन आखदे है, वो कल्ले कह रहे नहीं आंदे, वो किसे ना किसे संबंधक दे नाल आणगे। जिवें मेरा घर शहर तो दूर है, मेरा घर शहर तो दूर है, मेरा घर शहर तो दूर है, इत्थे देखो तो ते दूर, तो ते दूर, तो ते दूर दो आ गए भाई। दूर जो पूरन संबंधक है, दूर की है जो पूरन संबंधक तो दे नाल आया है, मेरा घर शहर तो दूर है, तो जिहड़ा दूर है वो पूरन संबंधक तो दे नाल आया है, उहदा कल्ले कहरे दा कोई वजूद नहीं है। हुण उसका पिंड दरिया दे नेड़े है, उसका पिंड दरिया दे नेड़े है, हुण जिहड़ा नेड़े है, नेड़े ए अपूरन संबंधक है भाई, नेड़े उसका पिंड दरिया दे नेड़े है। लो जी लिख के दस देने है, उसका पिंड दरिया दे नेड़े है, दरिया दे नेड़े है, नेड़े है जेड़ा वो अपूरन संबंधक है, नेड़े की है अपूरन संबंधक है, दे नाल आया है, आ दे नाल आया है। ठीक है जी, इन्हां दे विचकार जेड़े सामने पासे पड़े कोल विच आदक ये उदाहरण ने, होर उदाहरण अगर चाहिए ने तो एक उदाहरण किसी तो भी आप समझ लिया उसनू होरां दे विच आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिवें इस तो समझिया, ये पिंड दरिया दे नेड़े है, मेरा घर टोबे दे कोल है, मेरा घर टोबे दे कोल है, हुण कोल किहड़ा है, वो जिहड़ा हो गया ऐ पूरन संबंधक हो गया। ठीक है, हुण उस तो बाद दू बाजरे, दू बाजरे यानी कि मिश्रत संबंधक जिहड़े शब्द कदी पूरन ते कदे ऐ पूरन हो जाण, कदे ते पूरन संबंधक दा काम करण और कदे ऐ पूरन संबंधक दा काम करण, ते उस नूं की कहिंदे है, दू बाजरे कहिंदे है भाई। जिवें राजीव दे कोल पुस्तक है, राजीव दे कोल पुस्तक है, राजीव कोल पुस्तक है, हुण इस देखदे हां आपां, राजीव कोल पुस्तक है, राजीव कोल पुस्तक है, हुण एच की आ गया, ये पूरन दा काम कर रहा है भाई, राजीव कोल पुस्तक है, पूरन दा काम कर रहा है।
ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਦੇਹ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਬਈ ਪਾਲੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਬਣਾਤਾ ਰਾਜੀਵ ਦੇਹ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈਗਾ ਰਾਜੀਵ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦੇਹ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੀਵ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਦੇਹ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਦੇਹ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂ ਬਾਜਰੇ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਅਪੂਰਨ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਰ ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਵਿਕਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਰਾਮ ਨੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਸੀਤਾ ਨੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਇਕੱਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂ ਬਾਜਰੇ ਪੂਰਨ ਅਪੂਰਨ ਔਰ ਦੂ ਬਾਜਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਵਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇ ਵਾਲਾ ਐਗਜਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਰਾਮ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਤਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਤਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਅਵਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਘਰ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰੇ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਵਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵਿਕਾਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ
जे राही हटाता तो वह कार चंडीगढ़ गया, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। पंजाबी भी संबंधक शब्द आम तौर पर ना आया पर ना शब्द के पिछों ही लगते हैं। जिमें कि आप देखिए राम ने रोटी खाधी, राम ना है उनके पिछे लग्या। हुण की है जिमें कि पहला भी दसिया गया सी तुहानू बई कुछ दिन पहला आप गल की सी, इको शब्द वक् वक् प्रसंगा विच वक् वक् शब्दां भेदा अधीन आ सकता है। इस तरह जेड़े संबंधक नूं आपां जेड़े शब्द नूं आपां संबंधक कहिंदे हैं वह क्रिया विशेषण भी हो सकता है। इस गल नूं थोड़ा जिहा गौर करनी है, पर तुसीं आ देख लैणा वह शब्द अगर क्रिया की विशेषता करे तो क्रिया विशेषण है, जे संबंध प्रकट कर रहे हैं तो वह संबंधक है। जिवें बाबा जी बाहर बैठे हैं, इस एग्जाम्पल नूं देखो भाई, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लिए। बाबा जी बाहर बैठे हैं, हुण ये बाहर है जेड़ा ये बैठे की विशेषता दस रहा है भाई, बाहर है जेड़ा वह बैठे की विशेषता दस रहा है। हुण की कहिंदे है कि आ बाहर है आ क्रिया विशेषण है। और दूजे च बाबा जी घरों बाहर बैठे हैं, बाबा जी घरों बाहर बैठे है हुण ये संबंधक वाला काम कर रहे हैं। हुण की है संबंध स्थापित कर रहे हैं ना या पढ़ना दा वाक दे दूजे हिस्से नाल, तां तुसीं चंगी तरह गौर नाल पढ़ना है। अगर क्रिया की विशेषता दसे तां क्रिया विशेषण है, और जे संबंध प्रकट कर रहा है तां ये संबंधक है। वह अंदर चला गया, चला क्रिया अंदर, अंदर बाहर हो रहा जो भी हो क्रिया विशेषण, पर वह घर अंदर चला गया हुणे संबंध स्थापित करता, हुणे संबंध स्थापित करता ये संबंधक है भाई। संबंधक शब्दों की विशेष गल यह है कि जेड़े नाम पड़नाव के पिछे संबंधक आता है उसका रूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। जिमें सेबा दे भा चढ़ गए, सेबा दे भा चढ़ गया, दे कारण की हो गया कि रूप बदल गया, सेब दे तो की हो गया सेबा दे हो गया, सेबा दे भा चढ़ गए। हुण एक एग्जाम्पल होर लईए, वेले ना फिरो अपने हथा नाल कुछ ना कुछ करो। हुण हथा आ गया, हुण देखा जाए आ सेबा ते हथा है जेड़ा ये बहुवचन नहीं है, क्योंकि सेब का बहुवचन की है सेब ही है, हथा का की है हाथी है, हथा का हथ है ये हथी जेड़ा आंदा हथी काम किया, पिचकार की पिछेत्र लग के बनया है सिस्टम। हुण इन्हां वाकां सेब ते हथ ना शब्द के रूप है, इन्हां विच आए संबंधकां कारण बदला आया है। परंतु कई विद्यार्थी भुलेखे वास्ते समझ लेंदे हैं सेब ते सेबा हथ ते हथा ये बहुवचन है, नहीं बहुवचन सेब का सेब ही है और हथ का हथ ही है, हथा नहीं है। दो हथ, चार हथ, छे हथ, दी हथ, ठीक है, एक अख दो अखा, एक हाथी दो हाथी, देखिया बदलाव नहीं आया, एक घोड़ा दो घोड़े, वाक प्रयोग करोगे तो आप ही तुहानू पता लग जाएगा। तो इत्थे की है कि सेब का सेब ही है, भावें एक सेब होवे भला सौ सेब हो तभी आप कहोंगे सौ सेब, एक किताब सौ किताबा, एक सेब सौ सेबा नहीं गा सौ सेब। तो इस तरीके इस चीज़ को ध्यान रखना है, सेबा दे भा चढ़ गए ने, हुण सेबा है दे संबंधक लगन कारण परिवर्तन आ रहा है, यह बहुवचन नहीं हैगा भाई। अगला करते हैं भाई संबंधक का, होर देखते हैं कि सिस्टम रहिंदा है संबंधक दे विच। आम तौर पर संबंधक सीधे नाँ दे पिछे आउंदे ने, जिवें पिछे दिते संबंध की वरतों वाले वाकों तो स्पष्ट है, पर काफ़ी हालतों में नाँ दे पिछे संबंधक दे आउंदा है अते पिछों असली संबंधक लगता है भाई। जिवें घर दे नेड़े, छत दे उत्ते, मंजी दे हेठा, खूह दे विच, घर दे नेड़े, खूह दे विच, खूह दे विच, घोड़े दे पिछे, बूहे दे सामने, इत्थे नेड़े उत्ते हेठ जिहड़े संबंधक है दे दे पिछे आ रहे। आ संबंध किस पिछे आ रहे हैं भाई, इनके पिछे आ रहे हैं, दे पिछे आ रहे हैं भाई। तो कुछ संबंधक जेड़े है उनके पिछे आ रहे हैं भाई, संबंधक सीधे नाव तो पिछे आते हैं, और कई बार की होंगे है कि
और स्पष्ट करने लई उन्हां दे संबंधक दे पिछे असली संबंधक आ जांदे ने। ते जिवें नां दे पिछे जिहड़ा संबंधक दे आउंदा है अते पिछे असली संबंधक है, इस दे पिछे की है आ असली संबंधक आ हैगे है भाई, असली संबंधक आ हैगे है भाई। इत्थे नेड़े जिवें मैं आप दोबारा पढ़दा भाई, घर दे नेड़े छत दे उत्ते मंजी दे हेठां खूह दे विच घोड़े दे पिछे बूहे दे सामने घर दे उत्ते। इत्थे मैं वरत्या इत्थे नेड़े, ठीक है, इत्थे नेड़े वरत्या, इत्थे विच वरत्या, होरां विच उत्ते वरत्या, हेठ वरत्या, ये सारे संबंधक है जिहड़े ये दे पिछों आए है, दे पिछों आए है, ठीक है जी। ते कुछ संबंधक है की है कि ला ला के भी जोड़ देंदे, तो ला के भी जोड़ देंदे है भाई। कुछ संबंधक की है कि तो लगा के जोड़ जाते, जब बाहर बाहर तो बन गया बाहरों, बाहर तो की बन गया बाहरों बन गया भाई। हुण आ तो संबंधक जुड़िया होया इहदे पिछे की है तो संबंधक है, बाहर तो आया है, बाहर तो आया है, फिर धीरे धीरे बरतां विच आ गया बाहरों, की आ गया बाहरों आया है। पिंडों पिंड तो, पिंडों पिंड तो, ते इस तरीके नाल भी आ सकदा संबंधक, तुसीं पछाण लेना संबंधक नूं वखरा कर लेना भाई। कई बार की होंदा पड़नाव दे आउण नाल कई वार संबंधकां दे अपने रूप विच कुछ फर्क आ जांदा है भाई। पड़नाव प्लस संबंधक, इस दी गल करिए भाई, संबंधक नूं पछाणना होवे वखरा करना होवे अड कढ़ना होवे तां आपां इह गल कर रहे हैं भाई। वैसे बहुत जो थोड़ा जिहा होवे रला के देंदे तां तुसीं वखरा कर लिओ, इस कारण तुहानूं समझा रहे हैं। वैसे तां वखरा होऊगा, तुसीं वेख लोगे, विकार आ रहा तां विकारी है, जे नहीं आ रहा तां अविकारी है, पूर्ण है तां पूर्ण है, और जे किते पूर्ण नहीं गा अपूर्ण है, जे दोनों है तां दू बाजरी है। परंतु विचों कई बार कढ़ना पै जे, जिवें मैं तो, मैं प्लस आतो संबंधक है, एक ही है पड़ना है भाई, और एक ही है संबंधक है, की है संबंधक है, ते ए बन गया मेथों, मेथों बन गया भाई, मेथों बन गया। इत्थे पता लग गया इहदे विच कोई है तो संबंधक है, एवें तुसा तो असानू, असानू तो सानू बन गया, ठीक है, तुसा तो तू हाथों बन गया भाई, तुसा डा तुसानू तुहानू बन गया भाई, तुसानू तो कई बोलते हैं भाई, कई लिखते हैं तुहानू, इतों आपां नूं पता लग जूगा नू संबंधक है, नू संबंधक लग गया बनया होया भाई। जिवें मैं पिछे रा लग गया मेरा, असा तुसा पिछे डा लग गया साडा, पहला साडा सी हुण लोक ए उड़ गया भाई अगों, साडा रह गया, तुहाडा तुहाडा हो गया। ते ए की हो रहा है कि पड़नाव दे विच संबंधक फिट है। हुण ए चीज होमवर्क इस इन्ना सरण कराया सी भाई, कितने संबंधक फिट होवे और तुहानू लभे ना, तुहानू लभे ना भाई संबंधक सी किहड़ा, इस कारण चीजां दसियां। और बाकी जिहड़ी थोड़ा औखा क्वेश्चन आया तां ओह संबंधक विच फिट करके दऊगा भाई, ताकि लभना ही औखा हो जाए, और जे थोड़ा सरल आंदा है तां ओह सामने दे दूगा भाई, सामने दे दूगा तू छांटोगे भाई किहड़ा हैगा है, या एवें दे दूगा इहदे विचों पूर्ण संबंधक छांटो या संबंधक छांटो या किहड़ा संबंधक है, ओह तुसीं कर दोगे, कोई इन्ना वड्डा आना मुश्किल है भाई। ते ओह सारा इस कारण दस्सिया भाई 360 डिग्री दे, भाई आपां नूं दिक्कत ना आवे, भला कुछ भी आ जाए आपां करन योग है, कोई भी चीज आ जाए। हुण इस तों बाद जिहड़ा अगला टॉपिक है योजक दा है भाई, योजक जिवें कि नाम तों ही स्पष्ट है, योजक योजक उहनां शब्दां नूं कहिंदे आ जो दो शब्दां वाकांशां उपवाकां वाकां नूं इक दूजे नाल जोड़े, योजक। लो जी योजक, बस योजक एक ट्रिक जी ध्यान रख लो, इस तरीके नाल योग, बस योग है, ये की है योग है। योजक ओ शब्द जिहड़ा दो शब्दां वाकांशां उपवाकां जां वाकां नूं इक दूजे नाल जोड़दा है ओ योजक है भाई। जिवें अते, की,
क्योंकि सगों पर। यह एक अजिही शब्द श्रेणी है जो व्याकरण इकाइयां नूं एक नवी इकाई विच बनण दा काम करती है। राम ते श्याम रोटी खांदे ने, राम ते सीता चाह पींदे ने, चाह पींदे हैं। आ देखो आयोजक है जी, अते भी आ सकता है, इसकी जगह अते भी आ सकता है। एक ही आयोजक है, दोनों नूं जोड़ रहा है, दोनों नूं जोड़ रहे हैं। तो दो वाकां नूं जोड़े, उपवाकां नूं जोड़े, जिवें दो उपवाक जोड़ के देख लैने आं भाई। राम लस्सी पींदा है अते सीता दुध पींदी है। जयदीप चंडीगढ़ जांदा है अते हर्ष दिल्ली जांदा है। दो उपवाकां नूं जोड़ता, वाकांश उपवांग उपवाकांश या कुछ भी वह जोड़ सकते हैं। जिहड़ा जोड़ूगा वह की होगा, योजक होगा। पंजाबी भाषा की व्याकरणक संरचना विच योजक दो भागां च वंडिया गया है, एक तां कारज दे आधार ते, कारज या अर्थ दे आधार ते वंड कीती गई है, दूजा बणतर या रूप दे आधार ते वंड कीती गई है। कारज या अर्थ दे आधार ते, जिहड़ी अर्थ दे आधार ते वंड है ना, उसी का प्रकार ध्यान रखना है भैया, किन्ने प्रकार दी है ये वो। बाकी जिहड़े है ना बणतर बुणतर वाले, वह सिर्फ ध्यान च रखना, वह बणतर दे विच जदों क्वेश्चन आऊगा उदो उत्थे आपां नूं बणतर दे रहा। इस कारण दस्या भाई कि फस ना जाओ बाद देखने लगे, इस कारण हुण कारज दे आधार ते जिहड़े कि बड़े पो जिहड़ी वंड कीती है वह दो तरीके की है, समान योजक ते अधीन योजक। आलू जी, समान ते अधीन, लो इत्थे फिर योजक लग गया भाई, इन्हां दो शब्दों नूं जोड़ता, उन्हें दो वाकांशां नूं जोड़ता। समान योजक ते अधीन योजक, कारज दे आधार ते अर्थ दे आधार ते जिहड़े योजक ने दो प्रकार दे ने, समान योजक ते अधीन योजक। समान योजक ओह हुंदे आ जिहड़े योजक समान जां बराबर दे शब्दां वाकांशां वाकां नूं जोड़े, समान योजक है। बस इत्थे समान तां ही तैनूं समान है ना, अगर रखिए किसी का अगर ना रखे तो उनकी खास वजह है, तुम उस वजह तक पहुंचना, बार बार रटना नहीं है। बस एक बार से देखा और शब्द पढ़िया तो आप उत्थे याद आ गया, हाँ ये समान योजक हो सकता है क्योंकि इन समानता की गल की है। किन्दे अंदर समानता, शब्दा वाकांशा या वाकों के अंदर की है समानता, इस कारण समान योजक कहते हैं। समान वाकों शब्दों जोड़ेगा समान योजक। ते नाल पर अते फिर वास्ते चाहे सगों जा आदि जेड़े योजक ने ओ, समान योजक ने। जिवें गल करते हैं चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा की राजधानी है, लो जी चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा की राजधानी है। एन आ देखो जोड़ता भाई, पंजाब ते हरियाणा नु जोड़ता, इस वाक नु इस वाक नाल जोड़ता, अलग अलग लिखण की लोड़ नहीं पई भाई। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, वक्रा वक्रा लिखण की लोड़ नहीं पई। योजक दे करामात है, उसने एक वाक बनाता, उन्हें लिखता चंडीगढ़ पंजाब अते हरियाणा की राजधानी है। ते आज अते आज अजकल लोग अते की जगह ऐ भी हटाता, ते इस्तेमाल कर लग गए। सच्ची सिख्या दिल ते दिमाग दोहां दी सिखलाई होंदी है, दिल ते दिमाग समान योजक। रेशम सिंह नौकरी करता है नाले पढ़ता है, नाले पढ़ता है नाले, समान योजक। नौकरी भी करी जांदा है ते नाल पढ़ी भी जांदा है, समान योजक है नाले। एक चंगा बंदा समझदार हो सकता है पर ओ फैसले लैंदिआं गलत भी हो सकता है, समझदार भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, विच पर योजक लगाता भाई, पर योजक लगाता जिन्होंने दोनों वाकों नूं जोड़ दिता। मुंडे खेड रहे हैं अते कुड़ियां पढ़ रही ने, अते योजक लग गया, विच समान है, दोनों भी समानता है। मुंडे खेड रहे हैं कुड़ियां पढ़ रही ने, दोनों च बराबरी की गल है, तो इस कारण यह योजक है जिहड़ा वह समान योजक है। उसनू बहुत समझाया फिर भी वह बुरे लोगों का साथ नहीं छड़ेदा छड़दा, उसनू बहुत समझाया पर फिर भी वह बुरे लोगों का साथ ना छड़िया। और जे इस विच क्यों गया फिर भी,
उस नूं बहुत समझाया फिर भी उसने बुरे लोगों का साथ नहीं छड़िया। इन्हां दोनों समान जोड़ता फिर भी युजक आ गया। तुसी चाह पियोगे जां कॉफी, तां इत्थे अगले दे सामने ऑप्शन आ गया, समान है। हुण चाह भी पी सकदा कॉफी, उह कहिंदा चलो कॉफी लैओ। ठीक है जी, राह पिया जाणीए जां वाह पिया जाणीए, जां आ गया विच, जां समान योजक है, जां समान योजक है। इन्हां दे विच जिहड़े वाक मैं बदले है ते नाल पर ते फिर भी, ये की है समान योजक है। तुसी सब तो पहला वाक नूं पढ़ना है, देखना है, दोनों समान शब्दां नूं जोड़ रहे है, समान योजक है। हुण आपां दूजे की गल करते हैं, अधीन दी भाई। अधीन, अधीन अधीनता तो बनिया हुआ शब्द ही है भाई, या अधीन तो अधीनता शब्द है वह बने। अधीन की गल, किसी के अधीन होना, किसी के अधीन होना, जेडे वह सीगे दोनों सुतंत्र वाक सीगे, समान दे विच दोनों सुतंत्र उन्होंने जोड़ रहे सीगे योजक, इसी कारणता समान योजक किया। हुण अधीन योजक, अधीन योजक असामियां वाकात्मक बनत्रा जोड़ते हैं। असामी एक किसी सावी सी, समान सी, हिंदी का शब्द वर्तला ते ऐ समान, ऐ समान। अधीन योजक ऐ समान वाकात्मक बनत्रा जोड़ते हैं। हुण पंजाबी च बोलांगे भी स्वाद नहीं आया। अधीन योजक असामियां वाकात्मक बनत्रा जोड़ते हैं, ये उपवाकां दे पद्धर उत्ते ही विचरते ने। जां असीं इंज भी कह सकते हैं, ये सिर्फ मिश्रित वाकों की सिरजना करते हैं। मिश्रित वाक, एक सुतंत्र वाक, दूजा अधीन वाक, वह की होंगे मिश्रित वाक होंगे है। जो वाकों की गल करांगे तो चंगी तरह समझांगे, थोड़ा जा मैं तुहानू दसता है। अधीन योजकों विच की है कि जो जो जेहड़ा, मतलब जय जय तो शब्द जैद है, जय जय तो शब्द ज्यादा है भाई। जदों जो जेहड़ा जिमें जे, ठीक है, बाकी भी है की क्योंकि अधीन तुसी याद करना हो तो जो की याद कर लियो भाई, इन्हें थोड़ी हिंट रह जूगी। की तो ता की ता क्योंकि याद आ जाएंगे, और जो तो जो जेहड़ा जिमें जदों जे, आनू याद आ जाएंगे। होर भी है भाई, तदे ही और भी है, बाकी तो याद करने पड़ेंगे। अधीन योजक थोड़े जे याद कर लियो, तो बाकी जो बच जाएंगे वह समान योजक हो जाएंगे। हुण आप एक एग्जाम्पल लेने, इन्ने मजबूत बनो कि कोई भी तुहाडी मानसिक शांति भंग ना कर सके। हुण यह जिहड़ा की है, देखा जाए तो मिश्रित वाक है, पर हुण मिश्रित वाक की आप गल नहीं कर रहे। इत्थे कड़ा योजक लगे, अधीन योजक लगे की, क्योंकि एक वाक है जेड़ा दूजे दे अधीन है, दोनों वाक है जेड़े सुतंत्र नहीं है। एने मजबूत बनो, एने मजबूत की आ अधीन योजक है, कोई भी तुहाडी मानसिक शांति भंग ना कर सके। इत्थों आपां नूं पता लग्या भाई एक जेड़ा वाक है दूजे उत्ते डिपेंड है, अधीन है, और यह अधीन योजक दे नाल ही जुड़िया होया है। अधीन योजक नाल जुड़िया है, अधीन योजक की हैगा है। अगे आप लैने अगला एग्जाम्पल, जे असी अपने वर्तमान का पूरी तरह आनंद लेंदे हाँ तां अधीन योजक आ गया, तां असी अपने चंगे भविख दे बीज बीज रहे होंदे हाँ, तां अपने बीज बीज रहे होंदे हाँ, यह अधीन योजक है भाई। ठीक है, और यह देखो जो भी तुसी वाक है ना, तुहानू वैसे ही पता लग जूगा, वाक पढ़ते ही पता लग जूगा। वाक पढ़ते कैसे पता लग जूगा, जैसे मैं कहां सीता नचदी है, मैं रुक गया, सीता नचदी है, ठीक है, तू सोचोगे गल खत्म होगी, क्योंकि स्वतंत्र वाक है। दूजा अते राम खेड़दा है, राम खेड़दा है, तो हुण की हो गया अगला, दोनों की है समान है, बराबर है, बराबर दे विच बराबर दा योजक जुड़िया, समान योजक है। अधीन दे अंदर देखो, अधीन दे इन्ने मजबूत बनो, इन्ने मजबूत बनाओ, मैं चुप हो गया। हुण तुसीं सोच लै गुरु जी ने गल ही विच छड़ती, क्योंकि इत्थों पता लग जांदा कि अगे कुछ बोलना है भाई, अगे कुछ बोलना है तो फिर की है अधीन योजक नाल जुड़ेगा कि कोई भी तुहाडी मानसिक शांति भंग ना कर सके। हुण दोबारा,
स्कूल की प्रबंधक कमेटी बहुत खुश सी। मैं चुप हो गया, परंतु हुण तुहाडे मन अंदर आ गए भाई क्यों खुश सी, क्यों आ गया ना, क्योंकि वाक जिहड़े आ उह बराबर नहीं है, समान नहीं है। इत्थों वाकां दा पता लग जाएगा। स्कूल की प्रबंधक कमेटी बहुत खुश सी क्योंकि सारे विद्यार्थी बहुपक्षी सिक्ख्या प्राप्त कर रहे सन। लो जी हुण एक होर वाक लै लैने, जे असी अपने वर्तमान का पूरी तरह आनंद लेंदे हाँ तां असी अपने चंगे भविख के बीज बो रहे हाँ। एक होर एग्जाम्पल देखो भाई, मापे अपने बच्चों पढ़ाते हैं तां कि उन्हां दा जीवन सफल ते सुखाला हो सके। असावियां वाकात्मक बनतरां ने उन्हां नूं अधीन योजकां दे राहीं जोड़िया गया है। हुण आपां की कीता है कि इन्हां नूं पढ़िया देखिया, जिहड़े अवाक पढ़े इन्हां विचों की सी, एक वाक सी दूजे का हिस्सा सी, एक वाक की सीगा दूजे का हिस्सा सीगा, ठीक है, ते एक वाक दूजे का हिस्सा सी, एक वाक सुतंत्र सी, दूजा उनके अधीन सीगा, दूजा उनके अधीन सीगा, ते सुतंत्र के अधीन दी इत्थे लड़ाई सीगी, तो उनके विच अधीन योजक ही आवेगा, अधीन योजक ही आवेगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਯੋਜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਸਮਾਨ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਸਮਾਨ, ਦੋ ਅਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਅਧੀਨ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ। ਸਮਾਨ ਵਾਕ ਜੋੜੂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ, ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਜੋੜੂਗਾ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧੀਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣਤਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਈ, ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਜਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਬਈ ਯੋਜਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਯੋਜਕ ਬਈ ਸੰਯੁਗਤ ਤੇ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੰਯੁਗਤ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ ਟੁੱਟਵੇਂ, ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਵੇਂ ਯੋਜਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਟੁੱਟਵੇਂ। ਆਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਪ ਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਰੂਪ ਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਾ। ਜਸਦੀਪ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਹੈ ਬਸ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨੀਗਾ। ਤੇ ਅਤੇ ਪਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਤੇ ਅਤੇ ਪਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਧੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਧੀਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਯੋਜਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਤੇ ਅਤੇ ਪਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲਈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ
इस करके ताकि ता जो तदे ता जो एना नाल मिलके बनया है भाई। थोड़ा खाओ ता जो बदनामी बद हजमी ना होवे। लो जी लिख देने हैं, थोड़ा खाओ ता जो बदहजमी ना होवे। ठीक है, ता जो देखो भाई संयुक्त रूप आ रहे हैं, इस विच कल्ला कह रहा शब्द नहीं है। इस तो पहला आपा सीगा गीता करो भाई, गीता ने कुट खाधी, कल्ला आ रहे हैं। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਹਜਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਜੁਗਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਜੁਗਤ ਆ ਗਿਆ ਯੋਜਕ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ, ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਯੋਜਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਯੋਜਕ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਕੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਦੋ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਹਾ। ਆ ਟੁੱਟਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟਵੇਂ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਰੇ ਸੰਯੁਗਤ ਤੇ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਕੱਲਾ ਆਵੇ, ਸਹਿਯੁਗਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਣ ਬਈ, ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੁੱਟਵੇਂ ਆ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਣ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਬਈ, ਸੋਰੀ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਬਈ, ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਯੋਜਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੋਜਕ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਜਕ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਪਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਗਜਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਦਾ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਏ ਆ ਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਂਝਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਚਾਰਦਾ। ਜੇ ਸਹਿ ਸੰਮਤ ਕੀ ਯੋਜਕ, ਅਗਲਾ ਸਹਿ ਸੰਮਤ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਟੁੱਟਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਰਾਂਝਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਚਾਰਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਹੈ, ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੋਜਕ ਕੀਤਾ, ਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਬਾਈ। ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਯੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਦੇਖਣਾ, ਜੋੜ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ।